हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थानी साहित्य, तो जिसमें हमने कई साहित्यकारों के नाम देखे, उन्होंने कौन कौन से साहित्य, कौन कौन से ग्रंथ की जो है रचना की, वो हमने पढ़ा। तो चलिए उसी के आगे अब हम पढ़ते हैं। गिरधर आसिया। गिरधर आसिया ने सगत रासों की रचना की। तो इस सगत रासों में गिरधर आसिया ने मेवाड़ के इतिहास के बारे में लिखा, और ये जो ग्रंथ है ये महाराणा जो राज सिंह थे मेवाड़ के, तो उस समय लिखा गया था। ठीक है, 1662 से 80 के समय में, जब राज सिंह का समय चलता है, तो उस समय ये ग्रंथ लिखा जाता है गिरधर आसिया के द्वारा, सगत रासो। इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई हैं शक्ति सिंह, उनका वर्णन और उनके वंशजों का जो है वो अच्छे तरीके से बहुत विस्तृत रूप में वर्णन जो है वह इसमें किया गया है। ठीक है, अगला देखिए। महाराव राजा बुद्ध सिंह, इनके द्वारा निहत रंग ग्रंथ की रचना की गई थी। तो ये बुद्ध सिंह जो थे, जो राजा अनिरुद्ध सिंह थे, इनके बड़े बेटे थे बुद्ध सिंह। ठीक है, और 10 साल की उम्र में ही बूंदी राज्य के ये स्वामी बन जाते हैं। तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है, तो उस समय ये बुद्ध सिंह जो हैं बहादुर शाह का साथ देते हैं। ठीक है, और बुद्ध सिंह को महाराव राणा का खिताब और कुछ परगने जो हैं वह भी जागीर में दिए जाते हैं। तो उसके बाद जो है बुद्ध सिंह निहत रंग नामक जो है ग्रंथ इसकी रचना करते हैं। तो ये याद रखिएगा, बूंदी नरेश राव राजा अनिरुद्ध सिंह के बेटे हैं बुद्ध सिंह, इन्होंने नेहत रंग ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद देखिए बांकी दास। तो बांकी दास जो थे वो राजा मान सिंह जो थे जोधपुर के, तो उनके आश्रित कवि थे। ठीक है, और मान सिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने कई जो हैं वो रचनाएं की थी, जिसमें बांकी दासरी ख्यात, दातार बावनी, कुकवि बत्तीसी, नीति मंजरी, मान जसो मंडन, भोरजाल भूषण, इन ग्रंथों की रचना बांकी दास ने की थी, जिसमें महत्वपूर्ण है दातार बावनी और नीति मंजरी। ठीक है, ये ख्यात है, और इस ख्यात में हमें बीकानेर के जो राजा रतन सिंह थे, इन्होंने अपने सामंतों को जो शपथ दिलाई थी कि वो भविष्य में कन्याओं का वध नहीं करेंगे, तो ये भी इसी ख्यात में है। ठीक है, तो उनकी प्रशंसा की गई है इसमें। फिर देखें मुरारी दान। तो बांकी दास जी के पोते थे मुरारी दान, और जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के ये दरबारी कवि थे। इन्होंने भी कई ग्रंथ, कई रचनाएं की, जसवंत जसो भूषण, या जिसे हम यशवंत यशो भूषण भी कहते हैं, वंश समुच्चय और डिंगल कोश भी लिखा था। तो देखिए ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कि वंश समुच्चय किसने लिखा था, मुरारी दान ने। इसके अलावा वंश भास्कर, जिसकी रचना सूर्यमल मिश्रण ने की थी। ठीक है, और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो वंश भास्कर है इसे पूरा किया था इनके जो दत्तक पुत्र थे इन्होंने। तो ये एक नोट में जो है ये आप लिखिएगा, तो यहां पर मैंने ये चीज साथ में ही लिख दी है, ताकि वंश समुच्चय और वंश भास्कर में आप कंफ्यूज ना हो। वंश भास्कर जो है वह किसने लिखा, सूर्यमल मिश्रण ने। फिर देखिए कान्हा व्यास या कान्हण व्यास, तो आपको नाम याद आया होगा जब हमने राणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। तो कान्हण व्यास जो है, इनका जो ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, इन्होंने इसकी रचना की थी, और इस ग्रंथ में मेवाड़ के शासकों की वंशावली जो है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, गोहिल शासकों का वर्णन भी हमें इसमें मिलता है, और इसका जो प्रथम भाग है एकलिंग महात्म्य का राजवर्णन, इसको राणा कुंभा ने लिखा था। नेक्स्ट देखें कवि साया जी। कवि साया जी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और ईडर नरेश कल्याण मल के ये आश्रित कवि थे। इनकी रचनाएं थी रुक्मणी हरण और नाग दमन। ठीक है, कवि साया की मुख्य रचनाएं कौन सी थी, रुक्मणी हरण और नाग दमन। फिर देखें कवि केशव दास गाणन। तो ये जोधपुर के महाराजा गज सिंह के आश्रित कवि थे। तो गज सिंह जिनके बेटे कौन थे, अमर सिंह थे, जसवंत सिंह थे। ठीक है, तो जो कवि केशव दास हैं ये जो हैं कहाँ के थे, इनका जन्म तो पाली में हुआ था, और उसके बाद जोधपुर के महाराजा गज सिंह जो हैं इनके यहाँ पे ये कवि थे। इन्होंने तीन ग्रंथों की जो है वो रचनाएं की थी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, गज गुण रूपण बंध। तो इसमें जोधपुर के शासक जो गज सिंह हैं,
तो ये जब तीर्थ यात्रा गए थे तो इनकी तीर्थ यात्राओं, इनके युद्धों, इसका वर्णन जो है इस गज गुण रूप प्रबंध में है। ठीक है, गज से ही आप याद रखिएगा कि गज सिंह जो है इनकी तीर्थ यात्रा, युद्ध और इनका राजशाही जीवन जो था, इसका वर्णन हमें इसमें मिलता है। रचनाकार कौन है? केशव दास गानन। राव अमर सिंगरा दुहा इनकी जो दूसरी प्रमुख रचना है, तो इसमें नागौर के जो अमर सिंह राठौड़ हैं, अमर सिंह राठौड़ जो हैं, तो इनकी जो है वीरता, इनका जो स्वाभिमान है, इसका वर्णन इसमें किया गया है राव अमर सिंगरा दुहा में। तीसरी जो इनका ग्रंथ है विवेक वार्ता, तो ये एक वेदांत ग्रंथ है। नेक्स्ट देखें करणी दान, तो करणी दान तो ये मेवाड़ के थे, यहीं पर इन मेवाड़ में इनका जन्म होता है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के ये आश्रित कवि थे। ठीक है, तो इनका जन्म के बारे में नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ये पूछेगा कि इनका जो प्रसिद्ध रचना है, ग्रंथ जो है वह कौन है, कौन सा है? सूरज प्रकाश। तो सूरज प्रकाश जो है, जिसकी रचना जो है वो डिंगल भाषा में कर्णीदान ने की थी, जिसमें मारवाड़ का इतिहास मिलता है, जिसमें अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार सरबुलंद खां के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। इसका सारांश जो है सूरज प्रकाश का, वो है विरद शरणगार। ठीक है, इसके अलावा सूरज प्रकाश के अलावा जति रासा, अभय भूषण जो है, इनकी और भी अनेक रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए कुशल लाभ, कुशल लाभ की रचनाएं जो हैं, ग्रंथ जो हैं, उनके नाम याद रखिए, ढोला मारवाड़ री चौपाई, पिंगल शिरोमणि और माधवानल चौपाई। नेक्स्ट देखिए जग्गा खेड़िया, तो जग्गा खेड़िया और हमने देखा था कृपाराम खेड़िया, तो कृपाराम खेड़िया के बारे में आपको बताया था मैंने कि इन्होंने राजीय राज सोरठा जो है वह लिखा था, जो उनका सेवक था राजिया, उसके बारे में इन्होंने बहुत लिखा था। ठीक है, जो कि लक्ष्मण सिंह के आश्रित कवि थे कृपाराम खिड़िया, वो अलग हैं। और जग्गा खिड़िया, तो इन्होंने वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री ये ग्रंथ लिखा, और इसमें इन्होंने रतन सिंह जिस तरीके से धर्मत के युद्ध में मारे जाते हैं और किस तरीके से वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं, उसका वर्णन जो है इन्होंने इस ग्रंथ में किया। नेक्स्ट देखें दलपत विजय, इनका जो ग्रंथ है खुमान रासो, तो इसमें इन्होंने बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के शासकों का वर्णन किया है। ठीक है, तो इन्होंने समझिए मेवाड़ के जो जितने भी शासक रहे हैं उनका वर्णन जो है इन्होंने खुमान रासों में किया है। फिर देखें पृथ्वीराज राठौड़, तो बीकानेर के नरेश कल्याणमल के बेटे थे पृथ्वीराज राठौड़, और अकबर ने इन्हें गागरून की जागीर दी थी। इन्होंने पीतल नाम से जो है वो रचनाएं की थी। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वेली किसन रुक्मणीरी, ठीक है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज राठौड़ का। और इसी ग्रंथ को जो है खोजने का काम जो है वो इटली के जो थे टेस्टिटोरी, जो वैज्ञानिक थे इटली के, तो उन्होंने किया था। और इन्होंने जो टेस्टिटोरी थे इन्होंने ही पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स कहा था, क्योंकि इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं वो डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। इसके अलावा जो है दुर्सा आड़ा, जो कि अकबर के दरबार में थे दुर्सा आड़ा, और महाराणा प्रताप की बहुत जो है प्रशंसा करते हैं, और अपने ग्रंथ जो है विरुद्ध छतरी किरतार बावनी, इसमें जो है महाराणा प्रताप के बारे में खूब लिखते हैं। तो दुर्सा आड़ा ने भी बेली किसन रुक्मणी री जो है इसे पांचवा वेद और 19वां पुराण जो है वह कहा। तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं हैं वेली किसन रुक्मणी री और दसम भागवत रादुहा और गंगा लहरी। तो दसम भागवत रादुहा जो है जिसमें ये जो है वो बहुत ज्यादा शांत रस में लिखा गया है, और भगवान जो कृष्ण जो है इनकी भक्ति का वर्णन जो है इसमें मिलता है। लगभग 184 दोहे जो है वो इसमें है दसम भागवत रादुहा ग्रंथ में। गंगा लहरी जो है यह भी पृथ्वीराज राठौड़ ने ही लिखा है, और इसमें 80 दोहे हैं जिसमें जो गंगा माता है उनकी प्रशंसा की गई है। कल्ला राय मलोलरी कुंडलिया ये भी किसका है? बेली किसन रुक्मणी री वचनिका, दसम भागवत रा दुहा, गंगा लहरी, कल्ला राय मलोत्री कुंडलियां, ये चारों जो हैं वो किसकी रचनाएं हैं? पृथ्वीराज राठौड़ की। ठीक है, जो कि बीकानेर के थे। फिर देखें दयाल दास, तो दयाल दास का जो ग्रंथ है बीकानेर रा राठौड़ारी खयात, जिसमें प्रारंभ के जो शासक हैं बीकानेर के वहां से लेकर सरदार सिंह का वर्णन किया गया है।
तो ये जो दयाल दास थे, ये जो हैं बीकानेर के जो शासक थे रतन सिंह, तो इनके दरबारी थे। और इन्होंने जो ये ख्यात लिखी है बीकानेर के राठौड़ जो थे उनके बारे में प्रशंसा जो है वह लिखी है, तो इस खाती में जो है यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में भी जो है पता चलता है। ठीक है। मोर जी आशिया ने पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की। पाल पोर सातन, जो कि पाबू जी का दूसरा नाम है याद रखिए, भाकर भूषण, संवाद अमल दारू रो, महेशी पच्चीसी, ये किसकी रचनाएं हैं? मोर सी आशिया की रचनाएं हैं। प्रमुख इनकी रचना है पाबू प्रकाश। बिहारी, बिहारी जी ने जो है वो बिहारी सतसई लिखा, और मिर्जा राजा जय सिंह के ये आश्रित कवि थे। ठीक है, तो यहाँ याद रखें बिहारी का बिहारी सतसई। कवि वृंद, तो कवि वृंद जिनका जन्म जो है वह होता है बीकानेर में, और ये जो है नागौर में जाकर रहते हैं। ठीक है। और औरंगजेब के ये दरबारी कवि थे, औरंगजेब का जो पुत्र था मुअज्जम, तो उसको जो है इन्होंने शिक्षा दी थी। वृंद सतसई, भाव पंचाशिका, यमक सतसई, श्रृंगार शिक्षा, सत्य स्वरूप जो है इनकी रचनाएं हैं, और वचनिका, किशनगढ़ महाराज, रूप सिंह जी जीरी, तो ये भी रचना किसकी है? कवि वृंद की है। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो रचना की गई व्रज निधि ग्रंथावली की, तो यहाँ पर एक ही लाइन आप याद रखें। ठीक है। व्रज निधि ग्रंथावली किसकी रचना है? सवाई प्रताप सिंह की। वीरभाण रतनु, वीरवान रतनु जो हैं जोधपुर के अभय सिंह के आश्रित कवि थे। इनकी रचनाएं हैं राजरूपक, एकाक्षरी नागमाला और भागवत प्रकाश। अब देखिए, जो नाम आप लोग पहली बार सुन रहे हैं और इनकी रचनाएं पहली बार सुन रहे हैं, तो इनको आप केवल यही याद रखिए कि किसने किसकी रचना की। ठीक है, बस यही लाइन याद रखें। वीरभाण रतनु जो कि जोधपुर के अभय सिंह के आश्रित कवि थे, तो ये लाइन अगर आप नहीं भी याद रखें तो कोई बात नहीं, राजरूपक, एकाक्षरी नाममाला और भागवत प्रकाश इनकी प्रमुख ग्रंथ हैं, ये आप याद रखिएगा। सावंत सिंह जिनको नागरी दास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो किशनगढ़ के शासक थे तो सावंत सिंह इनकी प्रेमिका थी रसिक प्रिया, तो जिसके लिए सावंत सिंह जो है वो नागरी दास के नाम से कविताएं लिखते थे। ये रसिक प्रिया जो है वो कौन थी? एक पासवान थी। ठीक है। और सावन सिंह ने अपने दरबारी जो चित्रकार थे कौन? निहालचंद, तो इनसे रसिक प्रिया का राधा के नाम से जो है वह चित्र बनवाया था। तो हम बनी ढनी का चित्र जो है वह देखते हैं, जिनको भी राधा के रूप में दर्शाया गया है। तो सावन सिंह का समय जो है किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो इन सावन सिंह ने ग्रंथ की रचना की थी नागर समुच्चय। ठीक है, याद रख पाएंगे क्योंकि सावंत सिंह जो है उनको नागरीदास कहा गया और इनकी जो रचना है उसमें है नागर। ठीक है, ये शब्द है तो आप याद रखेंगे। जगजीवन भट्ट, अजीतोदय की रचना की और जिसमें मारवाड़ का वर्णन मिलता है। फिर देखें श्यामल दास, तो श्यामल दास का जो प्रमुख ग्रंथ है वीर विनोद, जिसके बारे में आपने कई बार सुना है, तो इस वीर विनोद में ही कहा गया कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले महाणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। और इस ग्रंथ के लेखन पर रोक जो है महाराणा फतेह सिंह ने लगाई थी, ये भी याद रखें। 1857 की जो क्रांति का एकमात्र जो प्रत्यक्ष जो इतिहासकार हैं वो भी यही है, श्यामल दास। ठीक है। और इस ग्रंथ में वीर विनोद में ही महाराणा शंभू सिंह से लेकर और सज्जन सिंह के शासनकाल तक का वर्णन मिलता है। महाराणा सज्जन सिंह के ये आश्रित कवि थे। कविराज की उपाधि इनको सज्जन सिंह ने ही प्रदान की थी और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है। इन्होंने 1857 की क्रांति का जो है बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर जो है इसका वर्णन किया, तो इसीलिए इन्हें प्रत्यक्ष इतिहासकार जो है वो कहा जाता है 1857 की क्रांति का, तो इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि भी प्रदान की थी। सूर्यमल मिश्रण, तो सूर्यमल मिश्रण जो हैं इनका जन्म तो बूंदी में होता है और इनके जो पिता होते हैं चंडीदान, तो ये बूंदी के जो शासक थे राम सिंह, तो इनके दरबारी विद्वान थे। ठीक है। तो जब सूर्यमल मिश्रण के पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सूर्यमल मिश्रण जो हैं यहाँ पर जो शासक थे बूंदी के राम सिंह, इनके दरबारी कवि बन जाते हैं। तो बूंदी नरेश महाराव राम सिंह के आश्रित कवि थे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो हैं इन्होंने अनेक क्रांतिकारी
ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें वंश भास्कर है, वीर सतसई है, बलवंत विलास है, राम रंजाट है और छंद मयूख है। ठीक है, तो वंश भास्कर की यदि हम बात करें तो इसमें जो है बूंदी का इतिहास लिखा गया है, और इसकी जो रचना है पिंगल भाषा और पद्य शैली दोनों में की गई है। वही वीर सतसई इसमें जो है भीम सिंह और बूंदी के शासक जो हैं उनके युद्ध का वर्णन भी मिलता है। 1857 की क्रांति की जो घटनाएं हैं वह भी हमें वीर सतसई ग्रंथ से पता चलती है। बलवंत विलास तो ये जो ग्रंथ है सूर्यमल मिश्र ने रतलाम के जो राजा थे बलवंत सिंह, तो इनका जो है चरित्र वर्णन इसमें किया है बलवंत विलास में। इसके अलावा राम रंजाट, छंद मयूख, तो ये सभी ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्र ने की थी। तो इनकी जो रचनाएं हैं जिसमें वीर सतसई जो है वो आप याद रखें, वंश भास्कर आप याद रखें। वंश भास्कर जो है जिसमें इन्होंने बूंदी का इतिहास लिखा, और वीर सतसई में 1857 की क्रांति की घटनाओं को लिखा। तो एग्जाम में जो है यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये बनेगा कि सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट और छंदमयुक्त। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ये चारों जो हैं आपको दे दिए जाएं ग्रंथ, और पूछा जाए कि सूर्यमल मिश्रण का कौन सा ग्रंथ जिसमें 1857 की क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो लिखी गई, तब आप क्या याद रखेंगे, वीर सतसई। तो चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से आप लोग जो हैं इसको रिवाइज जब करेंगे तो आपको परेशानी आएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तब तक जो आज हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो भी रचनाकार हैं उनके नाम और उन्होंने किसकी रचना की, तो ये जो है वो आपको याद हो जाएगा। अभी मैं बोलूंगी तो आप लोग बहुत अच्छे से सुनते जाइए। तो देखिए हमने जो है कान्हड़ व्यास जो है उनको पढ़ा, कान्हड़ व्यास का जो ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, और उसका जो पहला भाग है राजवर्णन जिसको लिखा था राणा कुंभा ने। ठीक है, तो कान्हड़ व्यास का ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य। कर्णीदान जो है जो कि जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के कवि थे, तो उन्होंने सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। केशव दास गार्डन जो कि गज सिंह के कवि थे, आश्रित कवि थे जोधपुर के महाराजा जो थे, जिन्होंने गज गुण रूपणबंध जिसमें गज सिंह के बारे में लिखा, राव अमर सिंह रादुहा उनके बेटे अमर सिंह के बारे में लिखा, विवेक वार्ता लिखा। ठीक है, और कवि साया जी जो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, रुक्मणी हरण, नाग दमन जो कृष्ण भगवान से संबंधित ही नाम है, तो कवि साया जी ने इन ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद हमने जो है मुरारी दान के बारे में लिखा था, तो बांकी दास जी के जो है वो पोते थे जिन्होंने मुरारी दान ने जसवंत जसोभूषण वंश समुच्चय ये लिखा था, और जो उनके जो दादाजी थे बांकी दास उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, दातार बावनी और नीति मंजरी जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बांकी दास रिख्यात और भुरजाल भूषण इन ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। ठीक है, महाराव राजा बुद्ध सिंह जो थे बूंदी के उन्होंने निहतरंग ग्रंथ की रचना की थी, और जो इसके अलावा जग्गा खिड़िया हमने नाम सुना तो उन्होंने वचनिका, राठौड़ रतन सिंह, महेश दासोत्री रचना की, कुशल लाभ ने ढोला मारवाड़ी चौपाई, पिंगल शिरोमणि इसकी रचना की, पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल के जो बेटे थे बीकानेर के उन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ लिखा, दशम भागवत रा दुहा ग्रंथ लिखा, गंगा लहरी ग्रंथ लिखा। तो जैसे मैं बोलती हूँ उसी तरीके से आपको भी ये चीज़ें याद होनी चाहिए, और ये तभी याद होती हैं क्योंकि इनको हम कई बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद जब भी होगी जब आप इसको कई बार पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमने देखिए दुरसा आड़ा के बारे में पढ़ा था, अकबर के दरबारी कवि थे जो महाराणा प्रताप के बारे में बहुत ज्यादा लिखते हैं, वो बहुत प्रशंसा करते हैं। विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, राव सुरताड़ किसका है, दुरसा आड़ा के ग्रंथ है, ये कविता है। ठीक है, और मोहनोत नैन्सी जो कि जसवंत सिंह जो फर्स्ट थे जोधपुर के महाराजा उनके दरबारी विद्वान थे, नैन्सी रिख्यात, तो मारवाड़ रा परगनी रि विगत ये किसने लिखा था, मोहनोत नैन्सी ने लिखा था। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वो आप याद रखेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा। थैंक यू।